अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की जो रेसिपी है ना बहुत ही स्पेशल रेसिपी है, मज़ेदार सी रेसिपी है, चिकन पुलाव, और थोड़ी सी डिफरेंट है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलें हम स्टार्ट करते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले जो है ना हम यखनी तैयार करेंगे। यखनी तैयार करने के लिए हमारे पास जो है ना 4 से 5 गिलास जो हमने भर के ना पानी का इसमें हमने ऐड किया है, और इसमें हम चिकन ऐड करेंगे। चिकन जो है हमारे पास 1/2 kg चिकन है, और प्याज जो है ना हमने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया, इसको हाफ उसमें हम ऐड करेंगे, हाफ कट किए हाफ ऐड करेंगे। और इसमें जो है ना लहसुन के जवे जो है ना वो जाएंगे, 7 से 8 लहसुन के जवे हम इसमें ऐड करेंगे। लहसुन के जवे ऐड करने के बाद जो है हमने सूखा धनिया जो है ना 1 टेबल स्पून इसमें हमने ऐड करना है, और इसको हमने जो है 15 से 20 मिनट जो है ना इसको कुक करना है, ताकि एक अच्छी सी यखनी जो है ना तैयार हो जाए। तो इसको हम कवर करेंगे अब, और 15 से 20 मिनट जो है ना इसको हम कुक करने के लिए छोड़ देंगे। तो अब ये देखें यखनी जो है ना हमारी तैयार हो चुकी है, और अब हमने क्या करना है, इसको जो है ना छान लेना है, मतलब प्याज और जो है लहसुन इसको हमने छान लेना है यखनी से। अब हम आते हैं, हमने जो है ना ऑयल लिया है, 1/4 कप ऑयल है, ठीक है। इसमें हमने प्याज जो है ना एक मीडियम साइज़ का प्याज जो है ना कट करके इसको हमने ब्राउन करना है। तो जब तक ये ब्राउन हो रहा है, अगर आप चैनल पे न्यू हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बेल आइकन प्रेस करना भी मत भूलना, ताकि न्यू वीडियो आपको आसानी से मिलती जाए, ठीक है जी। तो प्याज जो है हमारा ब्राउन हो चुका है, इसमें हमने थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। जब पानी ऐड करने का मकसद ये है कि प्याज जो है ना वो जलेगा नहीं, काला नहीं होगा। तो अब इसमें हम गरम मसाले डालेंगे। इसमें हमारे पास जो है ना बादियान का फूल जो है ना एक टुकड़ा डालेंगे, 3 जो है हरी इलायची है, और 5 से 6 जो हैं लौंग हैं, और दालचीनी जो हैं 2 टुकड़े, और काली मिर्च जो है ना इसमें आपने 1/2 टीस्पून काली मिर्च ऐड करनी है, और बड़ी इलायची जो है 2 अदद यूज़ करें, और 1/2 टीस्पून जो है ना ज़ीरा इसमें ऐड होगा। तो इसको जो है हमने सब चीज़ें ऐड कर दी हैं। अच्छा, अब 1 टेबल स्पून जो है ना लहसुन ऐड करना है, कौन सा, जो हमने यखनी में लहसुन डाले थे उसका हमने पेस्ट बना के इसमें ऐड करना है। और अब 1 टेबल स्पून जो है ना पीसी हुई हरी मिर्च इसमें हम ऐड करेंगे, और इसको आपने जो है ना अच्छी तरीके से जो है ना इसको मिक्स कर लें, और फ्लेम जो है ना मीडियम होना चाहिए, ज़्यादा हाई फ्लेम ना रखें, ठीक है जी। अब इसके बाद हमने 1 टीस्पून जो है ना इसमें हमने सूखा धनिया ऐड करना है, सूखा धनिया पाउडर ऐड करना है। उसके बाद हम इसमें यखनी का पानी ऐड करेंगे। यखनी का पानी हमने छान लिया था, अब इसमें हम यखनी का पानी इसमें हमने ऐड कर दिया है। अब इसको हमने फ्लेम को हाई करना है, हाई करके जो है इसमें हमने चिकन ऐड करना है, जो यखनी के लिए हमने बनाया था वो चिकन हम इसमें ऐड कर देंगे, और फ्लेम को हमने हाई रखना है ताकि एक बॉयल आएगा। अब इसमें जो है नमक हमने डाला है 1 टीस्पून, अपने हिसाब से कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। तो अब इसमें हम चावल डालेंगे। चावल मेरे पास जो है ना 1 गिलास चावल था, और इसको हमने पहले से भिगो लिया था, इसमें हमने चावल ऐड कर दिया। और चावल ऐड करने के बाद जो है हम इसको अब अच्छी तरह जो है ना बॉयल करेंगे पानी को, मतलब हाई फ्लेम पे, ये देखें। और अब इसको पानी को हमने जो है ना ड्राई करना है, फ्लेम हाई रखें और इसको ड्राई कर लें अच्छी तरीके से। ड्राई ऑलमोस्ट हो चुका है, ये देखें कितना अच्छा कलर आया है पुलाव का, और जो है ड्राई हो चुका है। अब इसको हमने दम देना है 10 मिनट के लिए, लो फ्लेम पे दम देंगे, और दम देने के बाद देखें माशाल्लाह हमारा पुलाव जो है ना तैयार हो चुका है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसकी, और देखें खिला खिला चावल है। तो इस रेसिपी को जो है ना आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है, ठीक है। अब हम डिश आउट करते हैं। तो डिश आउट करके सामने देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त पुलाव लग रहा है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। पसंद आए तो लाइक भी कीजिए, कॉमेंट्स भी कीजिए, और अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स को फॉरवर्ड भी कीजिए। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।